सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम हेमलता शर्मा है, मैं एमपी के गुना जिले से आरोन ब्लॉक से रहने वाली हूँ। चलिए अब आपसे हम कुछ कोविड की जो सेकेंड वेव आई है जी इसके बारे में कुछ सवाल करें। ओके सर, तो आप बताइए हमें कि आपके क्षेत्र में ये जो सेकेंड वेव कोविड की आई है, पहले पहली बार जो पिछले साल 2020 में हुआ था उसके तुलना में अभी ये ज्यादा है या कम है, किस तरीके से सेकेंड वेव आई है ये बताइए। हमारे क्षेत्र में सर पहले मतलब कुछ भी नहीं था ये समझ लो, क्योंकि पहले हो सकता है सर लॉकडाउन लग गया इसलिए ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन सर अभी की स्थिति तो इतनी खराब है यहाँ की, बहुत ज्यादा आए दिन रोज नए नए केस सामने आ रहे हैं। और सर और डोर लोग हमारे परिचित के यंग युवा है ना, वो चले गए इस कोविड में और रोज मतलब सुनने में ही आ रहा है, और बहुत गंदी स्थिति है इधर की। तो सर ऐसे स्थिति सभी जगह की है, लेकिन सर इधर एमपी में अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से इसका मेन रीजन क्या है कि इतना ज्यादा बढ़ रहा है? सर इसका मेन रीजन ये है कि लोग इसकी पालन नहीं कर रहे हैं ना, मान भी नहीं रहे हैं। क्या उन्हें पहले बीच में जब लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था तो लोगों ने उसको सोचा कि वो पहले कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा, तो ना तो मास्क भी नहीं लगा रहे, ना ही सर भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी जा रहे हैं, ज्यादा वो सीरियस नहीं ले रहे मतलब इधर ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है सर। मतलब अवेयरनेस की काफी कमी है लोगों में। हाँ सर, अवेयरनेस की कमी है, अवेयर कर भी रहे हम लोग सर। मैं खुद अभी वो डिजिटल आर्ट तक की ट्रेनिंग देने गई थी सर एक ग्राम में, तो वहां पे देखा मैंने सर इतनी सारी भीड़ भाड़ लोग इकट्ठा होके मास्क भी नहीं लगाए, और वो ताश जो होते हैं ना सर वो खेल रहे थे। मैंने एक जगह तो थोड़ा सा बोला कि नहीं बोलूं इन लोगों को, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने खड़े होके उनसे बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी मैडम तो हमारे पास रोज आती है, हम लोगों को कुछ नहीं होता, ये तो कहीं शहर वालों को होता है कोरोना वोरोना ऐसा, और बोल दिया। मैंने कहा नहीं तो कम से कम आप मास्क लगाइए, दूरी बना के बैठिए, लेकिन आप लोग तो इकट्ठे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो ये आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन इन्फेक्टेड हो कैसे क्या, अभी पता ही नहीं चल रहा किसको कोरोना है किसको नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे सर, ये कारण है ज्यादा स्थिति खराब होने की। अच्छा, तो जो आपका जो जिला है उस लेवल पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है? हमारे यहाँ सर स्थानीय प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान, दीवार लेखन, मास्क वितरण, सैनिटाइजर, और सर जो गरीब लोग हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है उन्हें खाने की व्यवस्था की जा रही है सर, पर फिर भी लोगों में समझ की अभी भी कमी है। इतना सब कुछ होने के बाद रोज के केस बढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं समझ रहे हैं, फिर भी लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी, और मास्क भी लगाने को बार बार बोलते हैं, मन हुआ तो लगा लिया, नहीं लगाए चल दिया हो जाएगा ठीक है हमको नहीं हुआ, ये कंडीशन बनी हुई है सर इधर। अच्छा, और आपके कम्युनिटी में कौन से लोगों को ये सेकेंड वेव का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से लोगों पर आ रहा है? जो गरीब मजदूर हैं और जो दुकानदार हैं छोटे मोटे दुकान जिनका मतलब जिनका घर उसी से चलता था ना, वो ज्यादा परेशान है। बाकी सर देखो जो पैसे वाले हैं वो उनके पास तो पैसा है उससे, वो जो ज्यादा ही कुछ है थोड़ा सरकार दे रही है, वो जो मिडिल क्लास लोग हैं सर उनकी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इधर। तो सर क्या लॉकडाउन टाइप का कुछ लगा है क्या आपके एरिया में? सर हमारे जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ तो थोड़ा लगता है, थोड़े ही आगे बढ़े तो वहाँ पता ही नहीं चलता कि लॉकडाउन है कि नहीं है, क्योंकि लोग भीड़ भी लगाए हैं मास्क भी लगाए हैं, कभी मास्क निकाल लेते हैं कभी मजाक मस्ती में उस चीज को ले रहे हैं, और वही लोग इन्फेक्टेड भी निकल रहे हैं। अभी यहीं के पास का एरिया पूरा सर उसमें 350 की आबादी है, कम से कम उसमें से 100 लोग सर इन्फेक्टेड निकल गए हैं, और वो लोग ना हॉस्पिटल जा रहा है, पूरे पुलिस विभाग सब लगा हुआ है लोगों को ढूंढने, वो छुप गए सर उस जगह, यहाँ की ऐसी स्थिति, वो छुप गए आ भी नहीं रहे ना, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग उसे पुलिस वाले सब जाके ले जा रहे हैं निकाल रहे हैं, फिर भी वो मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर उन लोगों कुछ लोगों को निकाला जा रहा है जबरदस्ती वहां से।
ऐसा मतलब उनको पता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है तो जानबूझकर वो छुप रहे हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इनको सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशानी, लेकिन पता है सर वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटलों की बहुत बेकार कंडीशन है, वहां जाएंगे तो पता नहीं हमको पटक दिया जाएगा, ना कोई ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो हम तो घर पे ही अच्छे हो जाएंगे, यहीं पे ट्रीटमेंट ले लेंगे। जबकि आपको पता है सर गांव में ना तो कोई ऑनलाइन ऐसा कोई कंसल्ट करता है डॉक्टर कि अपन को दवाएं दें, अपन ही हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। सर मैं खुद उन लोगों से, कुछ लोगों से परिचय हूँ, उनको व्हाट्सएप पे कॉल करके बताती हूँ कि भैया जो भी हो आप लोग प्लीज हॉस्पिटल जाइए, आपके कारण और लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। पर फिर भी सर गाँव के लोग कम समझ रहे हैं इस चीज को। तो लॉकडाउन लगने की वजह से क्या बेरोजगारी हो रही है अभी गांव में? हाँ सर, बहुत सारे लोगों को परेशान, जिन लोगों की मतलब इसी से जो मतलब छोटे छोटे सी दुकानें रहती थी वो तो इसी पे निर्भर थे ना सर। और मतलब कैसे तो लोग कृषि पे, आधे से ज्यादा लोग तो सर कृषि पे निर्भर हैं, और जो मजदूरी करते थे सर उन लोगों को तो बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। उनके लिए कुछ लोग जैसे मतलब मैं तो सर इतना कुछ हूँ नहीं हूँ, पर मैं भी चाहती हूँ कि उन लोगों को की मदद मैं भी करूँ थोड़े थोड़े, चाहे मेरे से 150 रुपए बने मैं सब लोगों को दे के आऊँ, मेरी इच्छा है, लेकिन अभी मैं निकल ही नहीं पा रही घर से, ऐसी स्थिति बनी हुई है। वैसे अच्छा, बाहर अगर नहीं जा रही है फिर भी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप कुछ और हाँ करती हैं? जी सर, मैं पता है सब लोगों को वीडियो कॉल करके, जो जिन लोगों के पास स्मार्टफोन उनको वीडियो कॉल करके बताती हूँ कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी पानी की भाप से भी बताते हैं कि वो कोरोना है ना खत्म हो जाता है, पानी का भाप लो, गर्म पानी की भाप लो, ये करो, मतलब बता उनको फोन से वीडियो कॉल से बताती रहती हूँ, क्योंकि मेरे ये ग्रामीण क्षेत्र सर में काम करती हूँ ना, उसमें सर उसमें अजीब कमीशन में भी काम और पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ। जब से मैं डीएफ से जुड़ी हूँ ना सर, तो मुझे कंप्यूटर चलाना ये सब आने लगा ना, तो मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए सर अजीब कमीशन में भी जाती हूँ, तो वहाँ पे जो समूह की महिलाएं है ना सर, वो पूरे यहाँ पे जो 140 गांव है ना, वो सारी महिलाएं मेरे कांटेक्ट में है, तो सर मैं उन लोगों को सबसे परिचय हूँ, तो उनको बताती रहती हूँ आप लोग ऐसा करो, आप समझदार हो, क्योंकि और तो कुछ नहीं है, जितना मुझसे बनता है मैं करती हूँ सर, बताती हूँ, कॉल करती हूँ, मैसेज करती थी ऐसा करो। और तो और मुझसे पहले पिछली बार तो सर मैंने बहुत सारे मास्क भी बना के बांटे थे जी अच्छा, अब ये बताइए आप कि जी, जैसे 2020 में तो लॉकडाउन लगा था, तो जब लॉकडाउन लगा था मार्च में अप्रैल में, उस टाइम हाँ तो जी। लोग बहुत डरे हुए थे ना, और उन लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या बीमारी है, नहीं लेकिन अब सर डरे हुए थे, पर मतलब उन लोगों को इतना वो था कि उन डरे हुए थे, मगर सर उनको हुआ नहीं ना कुछ इतना ज्यादा एमपी में, तो दूर जा उन्होंने बाहर सुना तो इतना ज्यादा वो नहीं लिया। इस बार सर पता है डरे हुए हैं पर वो उसका पालन नहीं कर रहे, ये कंडीशन है। और इस बार मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा है, डर भी लग रहा है, पर फिर भी वो कहते हैं यार ये कुछ नहीं होता गाँव में, शहर वाले लोगों को ही होता है कोरोना, वो लोगों को गाँव में किसी को कोरोना वोरोना नहीं, पर अब गांव में ही फैलने लगा सर कोरोना बहुत ज्यादा। मतलब कि एक साल बाद जब एक्चुअली गांव में पहुंच भी गया है और लोगों को हो भी रहा है, तब भी वो नहीं पालन करना चाह रहे हैं? तब भी नहीं करना चाहते सर कि, और अभी तो इतनी बुरी कंडीशन हुई है सर, एक जगह पे एक ही परिवार के 3 लोग खत्म हो गए सर, मम्मी हुई, बेटा हुआ, फिर उनकी बहू हो गई। वैसे पहले पहली बार जो हुआ था 2020 में जब आया था, तब बूढ़े लोगों को ज्यादा हो रहा था, इस बार कहा जाता है कि जवान लोगों को ज्यादा हो रहा है। सर अभी तो बुजुर्ग तो मतलब ये समझ लो सर मतलब कम हो रहा है, और यंग 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 बहुत लोग जा रहे हैं सर, इस बार बहुत ज्यादा लोगों की डेथ। तो मतलब आपके एरिया में भी ये खबर है कि ज्यादातर मतलब काफी जवान लोगों की भी? जवान लोग नहीं सर, हमारे एरिया में हुई है, बुजुर्ग लोग तो एक दो की डेथ हुई है, लेकिन जवान तो सर इतने चले गए जो कभी उम्मीद नहीं, कोई 28 साल का, कोई 25 साल का, कोई 32 साल का, कोई 40 साल का, इतने लोग गए हैं सर कि मतलब हम लोगों को भी दहशत बनी हुई है कि यार हो क्या रहा है। और आप लोगों की जो गुना में जो डीएफ की जो टीम है, आप हैं और भी जो साथी वगैरह हैं आपके, आप लोग मिलकर इस वक्त के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब अभी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? सर हम लोग ये कर रहे हैं कि पहली बार तो हम लोगों की क्या जो समूह की महिलाएं ना मास्क बना रही हैं, तो मास्क उन लोगों को मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी बना रही हैं, पीपीटी किट बना रही हैं, तो जितना बन रहा है भाई कुछ, अब वो जो सिलती हैं उनको तो सर पैसा चाहिए, तो मतलब अजीब कमीशन वाले पैसे भी दे रहे हैं, और हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप जाओ जी सर। और
जैसे सुनने में आ रहा है कि दिल्ली जैसी जगह पर, मतलब जो कैपिटल है देश का, वहां पर हॉस्पिटल वगैरह में दिक्कत हो रही है, तो सर क्या यहाँ ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ही हो रहा है आपके एरिया में सर क्या है? ऐसा ही हमारे इधर सर, ना तो इंजेक्शन मिल रहा है, ना सिलेंडर मिल रहा है, ना हॉस्पिटल में जगह मिल रही सर। और पता है लोग बाहर खड़े हैं दो दो तीन तीन घंटे अपने पेशेंट को लिए, पेशेंट को घबराहट हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं कहीं के नेता से फोन लगाते हैं, कहीं के अभिनेता से फोन लगवाते हैं, सर हमको वो नहीं मिल रही हॉस्पिटल में जगह दे। जब कहीं के विधायक और वो फोन लगाते हैं तो जगह, एक एक सिलेंडर पे दो दो तीन तीन मरीज रखे हुए हैं सर। यहाँ पे अभी गुना की स्थिति ये बनी हुई है सर। ऐसे ही और उनमें छोटी जगह पे जगह जगह स्कूल और उनमें भी कॉम्बो बना दिए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर और उप स्वास्थ्य केंद्र भी गांव में खोले जा रहे हैं सर इसी चक्कर में, क्योंकि स्थिति बहुत खराब होती जा रही तो सबसे ज्यादा अभी बेड की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है या इंजेक्शन की कमी, सर। क्या? बेड की सर हॉस्पिटलों में बेड की भी बहुत कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन वो कौन रेडिएशन इंजेक्शन आता है सर उसकी कमी, उसके कारण ऑक्सीजन ना मिलने के कारण भी लोगों की डेथ हो रही है सर। और वैक्सीनेशन ड्राइव, जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो आप लोग, मतलब आप जी लोगों हाँ को सर बता हम लोग भी हाँ सर उसमें भी सर वैक्सीनेशन हो रहा है ना। उनमें फर्स्ट में जब 65+ के लोगों को, तो हम खुद लेके गए थे बहुत सारे दादा दादियों को लेके जाके उनको वैक्सीन करवा के। मैं खुद अपनी गाड़ी पे दादियों को बिठा के लेके गई थी। और अभी जो 45 साल के चल रहा है तो उसमें भी लोगों को रोज बताते हैं भाई आप जाओ वैक्सीनेशन करवाओ, आप लगवाओ। कुछ लोग तो वैक्सीन लगवाने ही नहीं जाते, बोलते हैं कि उससे भी कुछ नहीं होता, उससे भी मर जाते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन हम समझाते हैं ऐसा नहीं है भाई, उससे भी अपन को थोड़े से जो उसके कोरोना के कीटाणु है वो उनसे लड़ने की क्षमता रहती है, उससे आप डरो मत, आप जाओ लगवाओ। तो बोल उनको भी बोल रहे हैं कि भाई आप लगवाओ। गाँव में भी जगह जगह पे वो लगाए जा रहे हैं ना, उप स्वास्थ्य केंद्र और खोले जा रहे हैं, तो उनपे भी ये सब लोगों को रोजगार सहायक और उनको भी दिया गया है काम। हम लोग भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग उनको अवेयर करते हैं कि जाओ भाई लगवाओ, आप नहीं चल रहे हमारे साथ चलिए, हम चलेंगे आपके साथ। हम उसमें भी सर सपोर्ट करते हैं तो वैक्सीन के बारे में लोग क्या, कैसी कैसी चीज कहते हैं कि हम क्यों सर। नहीं ये लगवाएंगे? यहाँ पे इधर गांव में क्या है ये बना हुआ है कि वैक्सीन लगवाने से भी कुछ नहीं होता, कोरोना होता है और उससे भी बोले लोग मर जाते हैं। एक बोले गांव वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ की एक दादी लगवा के गई थी और वो शाम को लगवा के गई, रात में वो मर गई, तो वैक्सीन से मर गई। तो वो उन लोगों में भी ऐसी अफवाहें फैली हुई है वैक्सीन को लेकर सर। मतलब अभी वैक्सीन है आपके गुना के इलाके में या फिर अभी कमी पड़ रही है नहीं कि? अभी सर बीच में खत्म हो गई थी, फिर 3-4 रोज तक खत्म रही, फिर आ गई वापस अभी परसों, फिर खत्म हो गई थी, अब कल फिर आज फिर बोले आ गई है वैक्सीन। ऐसे मतलब खत्म हो जाती है बीच में, बोलते हैं कि अब वैक्सीन नहीं है, खत्म हो गई है, फिर आ जाती है, ऐसा भी हो रहा है सर। तो आप लोग क्या लोगों को बोल रहे हैं रजिस्टर करवाने के लिए? आप तो 18 जी से ऊपर के सर वो जो लोगों को अभी भी 18 साल के लिए आया था ना सर, तो मैंने सबको लिंक शेयर कर दी, सब मेरे पास लिंक आई थी, तो मैं उसमें सर मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन भी किया है सर, वो चिकित्सक वाले में तो वॉलेंटियर के लिए है, तो उसमें मेरे को लिंक भेजी थी, तो मैंने सब भी लोगों को लिंक शेयर कर दी, सबका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, 18 वर्ष से वाले बच्चों, बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन सर वो कैंसिल हो गए, बोले अभी इधर MP में वो नहीं मिलेगा, लगेंगे 18 वर्ष वाले। कैंसिल? नहीं, वो तो कहा गया ना कि कुछ दिन बाद लगेंगे, अभी कमी है तो कुछ दिन बाद हाँ लगेंगे। अभी 1 तारीख से जो लगने वाले थे ना वो अभी नहीं लगेंगे। हाँ बस वो ये था, तो मैंने जितने लोगों को वो करवाया था रजिस्ट्रेशन, सब लोग बोलने लगे कि वो आपने करवाया अब लग ही नहीं रहा, आप लगवाने चलना। मैंने कहा आने दो, मैं खुद लेके चलूंगी तुम लोगों को लगवाने के लिए, टेंशन मत लो। जी अच्छा, सर इसके इस सब के अलावा आप कुछ बताना चाहेंगी आपके एरिया के बारे में अभी? हाँ सर मैं ये बस मेरे तो सर ये लोग अपील है कि लोग मास्क लगाएं और अपना सैनिटाइजर करें। दूसरी बात जिन लोगों के सर व्यवस्था नहीं हो रही है उनकी व्यवस्था करवाएं, मुझसे बनेगी सर मैं वो भी करूंगी। और ये बीमारी जो फैली हुई है लोगों को सर, बेजान सब लोगों की जान जा रही है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का पूरा परिवार उसी पे निर्भर है, तो ये सब इन लोगों की मदद मिले, इन लोगों को कुछ ऐसा हो, बस यही कहना चाहूंगा। चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके अच्छा लगा, और आप ये जो काम कर रही हैं ये जारी रखिए। थैंक यू सर।